तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन। आज के इस वीडियो में हमने मंगा लिया सीसीटीवी कैमरा अपने दुकान के लिए, अपने होम के लिए, आउटडोर के लिए। बेसिकली थोड़ा सिक्योर रहे अपना जो मतलब रूम है, घर है, ये सारी चीज़ें। और ये जो सीसीटीवी कैमरा सीवी प्लस कंपनी का है और इसका जो प्राइस की बात करें तो लगभग 5500 रुपये के आसपास में ये मुझे पड़ा है। इसके अंदर आपको दो कैमरा देखने को मिलता है और एक हार्ड डिस्क जो है 500 GB का देखने को मिलता है और साथ में आपको एक जो है DVR देखने को मिलता है। और देख सकते हो हमने अमेजोन से मंगाया है और इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह से आया है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ चारों तरफ से। और ये जो काफ़ी भारी है और ये जो है बोरा में कस के आया है। तो चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको मिलता है और कैसे इसको सेटअप करना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अगर आप भी कोई सीसीटीवी कैमरा मंगाने वाले हो तो मस्ट इस वीडियो को देखना, क्योंकि आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, सारे चीज़ एकदम एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इसका जो बॉक्स का मतलब पैकेजिंग है और इसका ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो है प्रॉपर तरीके से सिया गया है, यानी कि देख सकते हो मशीन से इसको सील दिया गया है, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है रास्ते में डैमेज ना हो। चाकू से फटाफट इसको कट करते हैं और कट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो अपना ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से सील है। इसको भी मैं यहाँ से काट के देखता हूँ किस तरह से इसका जो है पैकेजिंग किया गया है। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से इसको ओपन कर देना है। ओपन हो गया है, अब इसके अंदर देख लेते हैं फटाफट से। ओ माय गॉड, इसके अंदर भी अमेज़न का पैकेजिंग है भाई, मतलब जो पैकेजिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया, ये जो है अपना बोरा जो है साइड में आ चुका है और कुछ इस तरह से आपको इसको बॉक्स देखने को मिलता है। चलिए फटाफट से बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। भाई पैकेजिंग की बात करें तो भाई मतलब नंबर वन क्वालिटी का पैकेजिंग दिया है भाई, मतलब बहुत सही है। और गाइस इसको हम ओपन किए तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है सारे के सारे चीज़ें। और इस सबसे पहले मेरे को बिल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो प्राइस है। गाइस जो बिल है थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट का बना है, पता नहीं क्यों, बट मुझे कैशबैक वगैरह मिला है तो वो मेरे को मतलब काफ़ी सस्ते में पड़ गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर दूंगा। और ये जो बिल है यहाँ पर देख सकते हो किस चीज़ पर प्रिंटेड है, तो इस तरह से प्रिंट करके बिल हमको मिला है। और यहाँ पर आपको एक मतलब ओम टेक ऐसा कुछ मिलता है, क्यूआर कोड वारंटी कार्ड है ये। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो दो हमको डोम कैमरा देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। तो चलिए सारे सामान को पहले बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमको सीसीटीवी का केबल देखने को मिलता है, ये जो है 3-in-1 केबल है। और इसका जो मीटर की बात करें तो ये जो है 40 मीटर का आपको केबल देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें मतलब इसी के साथ में आया, मतलब फ्री में, ये नहीं है कि मतलब अलग से पैसा देना पड़ा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये हमको कनेक्टर देखने को मिलता है, ये DC कनेक्टर है, SMPS के अंदर ये लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये बबल रैपर से काफ़ी तगड़े तरीके से पैक किया गया भाई, मतलब बहुत खतरनाक है ये, मतलब बहुत मस्त सा पैकेजिंग है इसका। यहाँ पर पूरे के सभी के अंदर हवा है, ये देख सकते हो, ये मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का चीज़ है, डैमेज कभी नहीं होगा। तो ये जो अपना हार्ड डिस्क है 500 GB का, ये जो है सीगेट कंपनी का, यहाँ पर देख सकते हो 500 GB का। मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ, वैसे मेरे पास हार्ड डिस्क है ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी मैं सोचा चलो भाई मंगा लेता हूँ हार्ड डिस्क वाला ही। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से काफ़ी मतलब इसका सॉलिड क्वालिटी है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये हार्ड डिस्क देखने को मिलता है आपको। इसमें कुछ मंथ का वारंटी वगैरह भी मिलता है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा है, आप चाहो तो उसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कुछ ये मिलता है हमको, शायद से इसके अंदर SMPS वगैरह होगा, इसको ओपन करेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पर आपको HDMI केबल भी देखने को मिलता है एक, ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस CP+ का DVR देखने को मिलता है, अपना जो बॉक्स से खाली हो चुका है, ये जो DVR है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। चलिए इसको मतलब बाहर निकालते हैं और सारे चीज़ों को दिखाते हैं आपको। तो गाइस इनसाइड द बॉक्स इतने सारे हमको सामान देखने को मिलता है और ये जो सारा सामान है वो 5500 रुपए के आसपास में पड़ा है। आप स्क्रीनशॉट वैसे देख लिए होंगे, नहीं देखे तो वापस से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से एक एक चीज का हम अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये जो है अपना पावर सप्लाई है और ये जो है काफी अच्छे से पैकेजिंग किया है। और ये जो सारा सामान है वो इन्फोटेक कंपनी ऐसा कुछ कंपनी है, वहाँ से ये सारे चीज़ें मतलब आया हुआ है मुझे, क्योंकि सारे चीज़ें पे मतलब ब्रांडिंग और एक यहाँ पर मतलब सील लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना जो SMPS से कुछ इस तरह से दिखने वाला है, मैं सारे चीज़ें आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, देख सकते हो ऐसा कुछ है। यहाँ पर अपना जो है 4 चैनल को यूज़ करने के लिए दिया गया है, अगर आप चाहो तो 8 चैनल वाला भी मंगा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो केबल है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, तो ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ों को असेंबल भी करूँगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आप देखना चाहते हो अनबॉक्सिंग प्रॉपर सारी चीज़ें तो आप लोग देख लो, क्योंकि आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये जो है अपना डोम कैमरा है, जो कि रूम के अंदर लगता है, गोल वाला जो कैमरा आता है ना वो कैमरा है। और गाइस ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है और ये जो है काफ़ी मतलब हल्का देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे कैमरा हल्का ही होता है, वैसे आप लोग कभी मतलब शायद से ही पकड़े होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है CP+ कंपनी का है,
और इसका जो मतलब क्वालिटी वगैरह की बात करें तो ठीक ठाक क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो आराम से इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। और QC जो है पास्ट है, और यहाँ से आपको मतलब वॉल माउंट करने के लिए दिया गया है, तो इसको मैं मतलब वॉल पे माउंट करके आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ये जो है 360 मतलब रोटेबल है, और ये जो है इसको भी आप रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, चलो भाई मैं मतलब सारी चीज़ें निकाल करके और आपको दिखाता हूँ। हार्ड डिस्क तो आपने देख ही लिया होगा वैसे, तो वैसे इसको भी मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर आपको मतलब ये जो है स्क्रू देखने को मिलता है, दोनों के अंदर यहाँ पर दो स्क्रू मिला है वॉल माउंट को फिक्स करने के लिए। और यहाँ पर मैं इसको निकाल करके दिखाता हूँ आपको, सेम चीज़ है दोनों, बिल्कुल सेम टू सेम कैमरा है। यहाँ पर देख सकते हो सारे चीज़ें मतलब सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। ये भी CV+ कंपनी का है, और ये जो 2.4 MP का ये कैमरा आपको देखने को मिलता है। और ये जो अपना केबल है जो कि 40 या 45 मीटर आपको देखने को मिलता है, चलिए मैं इसको भी निकाल करके दिखाई देता हूँ आपको। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये जो केबल है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। और इसका क्वालिटी की बात करो तो एवरेज आया, मतलब कट करके दिखाता हूँ इस टाइप का ये जो है दिखने वाला है। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कुछ आपको क्वालिटी देखने को मिलता है, मतलब ठीक है। अब प्राइस के हिसाब से क्या ही बताया जाए, सभी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड मिला है हमको। तो गाइस हमने इसको छीन लिया है, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से, मतलब ठीक है, आपका काम चल जाएगा भाई। कैमरा चलने से मतलब है आपको ऐसा कोई इसमें हैवी लोड थोड़ी ना चलाना है, तो ठीक है। और यहाँ पर हमको ये जो है कनेक्टर देखने को मिला है, तो कनेक्टर आप सिंपली यूज़ कर सकते हो जब आप कैमरा को सेट करोगे, तो उसके अंदर ये जो है अपना आसानी से यूज होने वाला है। ये जो है अपना DVR के अंदर लगता है ये दोनों, और इसका क्वालिटी भाई मतलब सच में अच्छा है इसका क्वालिटी, ठीक है। और ये जो अपना DC के लिए दिया है, तो इसका भी क्वालिटी मतलब सही है, ठीक है। तो चलिए ये सारे चीज़ें हो गया, अब हम चलिए फटाफट से ओपन करते हैं DVR को, और इसको सेटअप भी करना पड़ेगा, तो मैं सेटअप भी करके आपको जरूर से दिखाऊंगा वीडियो में, बस पूरा आप बने रहिए। तो इसको ओपन करें, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखा है, आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हो, मैं पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें मैं आपको चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इसका मॉडल वगैरह सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसको मतलब डाउनलोड वगैरह करता चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, इस यूज़र मैनुअल को आप आराम से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये जो DVR है वो 4 चैनल वाला देखने को मिलता है, और इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम DVR को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस हमने DVR को ओपन कर लिया है, और पीछे से बात करें तो कुछ इस तरह से देखने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा सकते हो आप, मैंने हार्ड डिस्क दिखाया था आपको, वो वाला लगा करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो 4 चैनल है, यहाँ पर आपको माइक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, HDMI है, यहाँ पर लैन केबल है, 2 यहाँ पर USB पोर्ट देखने को मिलता है, एक माउस लगा सकते हो, और एक जो है अपना पेन ड्राइव लगा कर डाटा इसका मतलब कॉपी कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको कहीं और दिखाना है तो आप उसको आराम से अपने पेन ड्राइव वगैरह में कॉपी कर सकते हो। बाकी ओवरऑल इसका क्वालिटी की बात करें तो मतलब काफ़ी सुपर क्वालिटी का देखने को मिलता है। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी दिया गया, लेकिन इसके अंदर फ़ैन देखने को नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा मेरे को चीख लगा। इसके अंदर फैन रहता तो काफ़ी अच्छा रहता, जो हीट है वो मतलब बाहर निकाल के फेंकता। बाकी देख सकते हो सामने से काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, CP+ का ब्रांडिंग हो रहा है। तो ये सारे चीज़ें तो मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखा दी, इसके अंदर भी कुछ होगा तो यहाँ पर मैं ये रहा, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हमको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले ये हमको चार्जर देखने को मिलता है, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का आउटपुट देने वाला है, और ये जो है 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट इनपुट है। बाकी ठीक है, मेड इन ये इंडिया आपको देखने को मिलता है, और ऐसा कुछ है तो इसको यूज़ करेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो केबल देखने को मिलता है, ये जो है हार्ड डिस्क कनेक्टर है, हार्ड डिस्क केबल है, इसको इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। अब आगे आपको मैं दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, इसके अंदर माउस भी दे दिया गया है, काफ़ी अच्छा बात है यार। मतलब माउस वहाँ पे शो नहीं करता, कहीं भी मेंशन नहीं था कि माउस आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर माउस दे दिया गया, और काफ़ी मतलब प्यारा है, काफ़ी छोटा सा एकदम इतू सा माउस दिया गया है। सही चीज़ है यार, मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था इसके अंदर माउस देगा, बट दे दिया तो अच्छी बात है। और यहाँ पर अपना जो अपना एक कनेक्टर देखने को मिलता है, ये हार्ड डिस्क का साटा केबल है, ठीक है। कुछ 4 स्क्रू भी देखने को मिलता है, ये हार्ड डिस्क को मतलब सेट करने वाला स्क्रू है। तो चलिए फटाफट से हम सेटिंग स्टार्ट करते हैं टाइम लैप्स में। तो गाइस इसका मैंने हार्ड डिस्क जो है कनेक्ट कर दिया है, हार्ड डिस्क कैसे कनेक्ट करना है मैंने आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने 4 यहाँ पर सिंपली नट को जो है कस दिया है, और इसमें जो है अपना मतलब दीवार पे फिट करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर हार्ड डिस्क कसने के बाद यहाँ पर ये जो कनेक्टर दिया गया था इसमें लगा करके सिंपली आपको इसमें लगा देना, ठीक है। और दूसरे वाला जो है इसमें लगा करके सिंपली आपको इसमें लगा देना, बस आपका हार्ड डिस्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जो है आपको बंद कर देना है, और बंद करने के बाद सिंपली आपको इसका भी जो नट है वो कस देना है।
तो गाइस अपना DVR जो है रेडी हो चुका है। ये जो है केबल अपना फटाफट से कट करते हैं। एक जो केबल है अपना DVR के अंदर लगेगा और एक जो केबल है कैमरा के अंदर लगने वाला, ठीक है। तो चलिए इसको हम छील लेते हैं। वैसे मैं फटाफट से टाइम लैप्स स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो केबल है मैंने अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया है और ये जो केबल है सिंपली आपको HDMI वाले में लगा देना है और इसके अंदर सप्लाई देते हैं। और सप्लाई देने के बाद इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है। वैसे इसको सेटअप भी करना पड़ता है, तो हम फटाफट से इसको सेटअप करते हैं। तो गाइस फिलहाल हमने सेटअप वगैरह कर लिया है और देख सकते हो हमने एक कैमरा सेटअप किया है, तो एक कैमरा यहाँ पर शो कर रहा है। और क्वालिटी वगैरह की बात करें तो काफ़ी मतलब सही क्वालिटी है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी है। अभी जस्ट हमने सेटअप किया है, हाथ में ही है कैमरा। दूसरे वाले को भी सेटअप करूँगा तो उसी तरह सेम टू सेम ये आ जाएगा। अभी यहाँ पर चार कैमरा हम सेटअप कर सकते हैं, तो दो यहाँ पर ड्रोन कैमरा मैं सेट करने वाला हूँ और हमने जो बुलेट कैमरा है वो एक ऑर्डर कर दिया है अलग से, उसको मैं बाद में सेटअप करूँगा, क्योंकि मतलब ऑर्डर है। इसके साथ दो मिला था और एक हमने अलग से ऑर्डर किया है और एक जो है और मतलब सेट करूँगा डोम कैमरा। एक जो है अपना बाहर रहेगा बुलेट कैमरा, बाकी तीन जो है डोम कैमरा अंदर रहेगा। तो ठीक है भाई, क्वालिटी वगैरह की बात करें तो काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिलता है। वैसे मैंने सारे चीज़ें सेटअप वगैरह करके दिखा दिया है। अब चलिए फटाफट से क्या करते हैं, ये जो वायर हमको मिला है ना, इतना सारा वायर, तो ये सारे वायर को मतलब फिट करेंगे घर में और कहाँ कहाँ पे सेट करना है उसके हिसाब से मैं करता हूँ। लास्ट में आपको मैं दिखा दूंगा मैंने कहाँ कहाँ सेट किया है और किस तरह से ये चीज़ें हैं। तो चलो इसी बात पे लाइक वगैरह कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और फटाफट से हम सेटअप करते हैं वायर को। तो गाइस फाइनली हमने दोनों कैमरा को सेटअप कर लिया है। एक जो कैमरा है यहाँ पर मैंने लगा लिया है अपने दुकान में और यहाँ से जो है पूरा मतलब दुकान का एरिया जो है कैप्चर होगा। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये अपना शॉप है, तो शॉप में मैंने लगा लिया हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो मुझे पता चल जाए। चलिए मैं आपको रूम में जाकर के दिखाता हूँ दूसरा वाला जो हमने कैमरा को सेटअप किया है उस कैमरा को। तो गाइस मैं आप फिलहाल आ चुका हूँ अपने रूम में और यहाँ पर देख सकते हो दूसरा वाला कैमरा हमने वहाँ पे सेटअप किया है। और पहले जो मेरा मॉनिटर था वो यहाँ पर हमने मॉनिटर को रखा हुआ था, लेकिन यहाँ से मॉनिटर हमने हटा करके और पीछे लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो अपना मॉनिटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सारे चीज़ एकदम क्लियरली दिख रहा है, देख सकते हो। DVR को हमने छुपा के लगाया है उसके अंदर वहाँ पे, मतलब रिफ के पीछे हमने छुपा लिया ताकि मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, चाह करके भी कोई मतलब इसको ओपन ना कर सके। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो जूम करके हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर मेरा DVR लगा हुआ है और यहाँ पर हमने मतलब मॉनिटर वगैरह सेट कर लिया है, सारे वायरिंग को कर लिया है। अगर आपको वायरिंग जानना है कैसे करना है तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट बताओ, ठीक है। मेरा जो माउस मिला था इसके साथ में, वो माउस भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हो। और माउस जो है प्रॉपरली चल भी रहा है इसके साथ, ठीक है। अभी मैं दीवार पे चला रहा हूँ इसलिए प्रॉपरली नहीं चल रहा, ठीक है। इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ, देख सकते हो ये अपना दुकान का मतलब सीन है। अभी रात का समय है तो यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ एकदम क्लियरली दिख रहा है। और मैं चाहूँ तो अपने मतलब जो रूम है उसका भी मैं व्यू देख सकता हूँ, तो ये जो अपना मतलब व्यू है दूसरा वाला। तो गाइस व्यू वगैरह देख सकते हो काफ़ी मतलब सही आ रहा है, क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छा से आ रहा है। और यहाँ पर मैं इसका जो बैकअप देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हमने पासवर्ड लगा कर रखा है, यहाँ पर पैटर्न, तो कुछ इस तरह से पैटर्न को डालना है। और यहाँ पर देख सकते हो अपना जो मतलब डिटेल से खुल चुका है। मैं वीडियो पे जाता हूँ, प्लेबैक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं मतलब जो सारे चीज़ें हैं वो प्लेबैक मैं देख सकता हूँ। जैसे कि मैं चलो मैं कोशिश करता हूँ 8 बजे से देखने के, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सुबह का 8 बजे का मतलब चल रहा है बैकअप, जो रिकॉर्ड हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से आप बढ़ा बढ़ा करके देख सकते हो और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, मतलब काफ़ी मस्त चीज़ें हैं। और इस कैमरा को आप चाहो तो लगा सकते हो, मतलब प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मस्त मिलने वाला, ठीक है। और देख सकते हो अभी जो ये सीन है यहाँ पर 12:42 का समय चल रहा है, तो इसी तरह मैं जो भी चाहूँ मतलब वो देख सकता हूँ सारी चीज़ें एकदम मतलब क्लियरली। और चाहो तो इसको आप सिंपली वाईफाई पे भी कनेक्ट कर सकते हो, आप कहीं भी बैठे मोबाइल से देख सकते हो। तो ये सारे चीज़ें था, मतलब काफ़ी अच्छा था, हमने मतलब ला करके रख दिया, फिलहाल टाइमिंग वगैरह सेट कर दिया हमने और मतलब बेसिकली प्रॉपरली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये जो CCTV कैमरा का सेटअप है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और आई होप कि ये अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है,
उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बताना था, एक्सप्लेन करके इन डेप्थ में सारी चीज़ें बताना था, इसलिए मैं वीडियो आपको पूरा बनाया और पूरा चीज़ें बताया। लेकिन मैंने एक चीज़ मिसिंग कर दी इसमें, जो वायरिंग है वो वायरिंग कैसे करना ये सारी चीज़ें मतलब नहीं बताया हूँ। तो हो सके तो मैं जो दूसरा कैमरा मंगाऊंगा ना, जो बुलेट कैमरा मैंने वीडियो में बताया है, तो उसमें जब मैं उसको सेटअप करूंगा तो उसमें वायरिंग का मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, कैसे वायरिंग करना है इसका, मतलब एक्सप्लेन करके, ठीक है। बाकी लाने में मतलब सेटअप वगैरह करने में लगभग 5 घंटे का समय लगा, क्योंकि भाई नया हूँ मैं, मतलब कभी सेटअप नहीं किया था, तो ये सारी चीज़ें मतलब करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा। और इसको जो वायरिंग है काफ़ी मैं अच्छे से प्रॉपरली किया हूँ, तो वो मतलब बहुत ही मस्त है। अब अपने रूम में बैठ करके सारे जगह का मतलब नज़ारा देख सकता हूँ, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चाहूँ तो उसका बैकअप भी देख सकता हूँ। तो अगर आपके पास शॉप में लगाना है या फिर घर में लगाना है तो इस CCTV कैमरों को आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग सस्ते में मंगाए हैं, तो पता नहीं कैसे मंगा लिए हैं, उस वक्त पे सस्ता होगा मे बी, लेकिन अभी काफ़ी ये महंगा चल रहा है तो मैंने इतने में मंगा दिया, बाकी आपको दिखा दिया। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद जय भारत। और बुलेट कैमरा का अनबॉक्सिंग जल्दी आने वाला है, क्योंकि जो बुलेट कैमरा है ना वो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास डिलीवर हुआ, आज ही आया है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा होगा। तो ये वीडियो आने के बाद इस बुलेट कैमरा का मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी अनबॉक्स नहीं किया हूँ, इसको जल्दी अनबॉक्स करूँगा, फिर इसका जो सेटअप है, इसका वायरिंग कैसे करना है, सारी चीज़ आपको बता दूँगा।